सो आप पेपर वन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर लेट्स सपोज यू हैव स्टडीड इंटरनेशनल रिलेशंस और यू हैव अ बैकग्राउंड बिफोर दैट, सो आप पेपर टू से भी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति शर्मा. वेलकम टू आवर वीडियो. I'm a career psychologist, and in today's video, I'm going to tell you how to effectively start preparing for your PSIR option. As you know, choosing the right option for you can be a deal breaker, and it can also steer your way to success. So the best option for you is very important, and choosing it very crucially is the main thing that you have to focus on. सो आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप पी एस आर ऑप्शनल ऑप्ट करते हो एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वॉट आर द स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स एंड वॉट आर द क्रूशल टॉपिक्स डैट यू हैव टू फोकस टू स्टीयर योर वे टू द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस पे आपको फोकस करना है, इज द सिलेबस. You have to familiarize yourself with the syllabus of PSIR optional. You have to like get into the proper syllabus of PSIR optional. Ki what are the topics in it includes, what are the themes and what are the subheadings and bifurcations in the PSIR syllabus. This will help you to plan your idea strategically, and this will help you to familiarize ki kis tarike se aapka PSIR optional mein cheeze include rehti hain. क्योंकि पी एस आर ऑप्शनल में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू. पेपर वन अलग थ्योरीज इंक्लूड करता है, पेपर टू दूसरी थ्योरीज इंक्लूड करता है. पेपर वन में आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, पेपर टू में आपका इंटरनेशनल रिलेशन होता है. तो दोनों ही को रिलेटिंग होते हैं, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस व्हेन यू स्टडी इट इन डेप्थ. तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा लाइक अपने माइंड में रखना है कि आप पहले सिलेबस के साथ फेमिलियराइज हो, उसके बाद अपनी आप अपनी बाकी की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो. सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज द स्टडी मटेरियल, कि आपको स्टडी मटेरियल किस तरीके से यूज करना है. अब जैसे पता है आज के टाइम पे आपको पता है देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पीएसआर ऑप्शनल, एंड अलोंग विद दैट व्हाट यू हैव टू लाइक दिस इंक्लूड्स अ मेजर डिसएडवांटेज. ये इसके लिए आप इससे आपको क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से रिसोर्सेज पे आपको फोकस करना चाहिए. क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे दे आर मैनी वीडियोस, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे आर मैनी पीडीएफ्स पीपीटीज एंड मैनी थिंग्स डैट आर अवेलेबल. देर इज अ वेल्दी ऑफ रिसोर्सेज डैट आर अवेलेबल. सो दिस गेट स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज दैट वॉट शुड बी द थिंग्स डैट वी हैव टू फोकस ऑन. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए. फोकस आपका मेनली होना चाहिए आपकी स्टैंडर्ड बुक्स पे. दे यूपीएससी की साइट से, एक्स आईएएस ऑफिसर की साइट से, दे आर हाईली रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू हैव टू स्टडी, एंड दोज आर द रेलिवेंट बुक्स जिनमें से आपका प्रॉपर मेन्स का पेपर आता है. तो ऐसी बुक्स हो गई आपकी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, ओपी ग्वाबा हो गई, आपका वीएन खन्ना हो गई. तो दीज आर 3 to 4 बुक्स दैट आर हाईली रिकमेंडेड. उसमें से एक लक्ष्मीकांत आपकी बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक होती है. तो अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हो, इनमें से आप अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि किस तरीके से पी एस आर ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, क्या क्या चीज़ें उसकी है, उसकी थ्योरीज कैसे है, किस तरीके से आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे अपना एनालाइज करना है. तो जब आप ये रिसोर्सेज प्रॉपर अपने कर ले आप अपना इकट्ठा, तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है. थर्ड स्टेप आपका होगा कि यू हैव टू प्लान योर स्टडी प्लान. यू हैव टू बेसिकली मेक अ स्टडी प्लान दैट सूट्स यू द बेस्ट. आपको देखना होगा कि आपको प्रॉपर अपना एक स्टडी पैटर्न बनाना होगा दैट सूट्स योर सेल्फ. That first either you can when you get familiar with the syllabus. Let's suppose our paper one in political science se bahut zyada familiar ho, because this includes our surrounding and various things. So maybe this is very easy for you. So aap paper one se bhi start kar sakte ho, but agar let's suppose you have studied international relations or you have a background before that. सो आप पेपर टू से भी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो. देन यू कैन साइमल्टेनियसली शिफ्ट टू पेपर वन. ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको पेपर वन से ही स्टार्ट करना है पॉलिटिकल साइंस से ही, तो ही आप पेपर टू कर पाओगे. दोनों पेपर्स का कोरिलेशन है, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट.
both you have to like critically analyze and think what are the best strategies that you can opt either of them. And ये सारी चीज़ आपकी तभी हो सकती है जब आप familiarize रहते हो अपने अपने syllabus से. So this is the thing that you have to do. Fourth thing that you have to do is make a habit of answer writing. आपको practice करनी होगी answer writing daily. Now I'll tell you that UPSC में answer writing बहुत ज़्यादा important होती है. क्यों important होती है? It is a very crucial part of UPSC. Because जो examiner होता है that एग्जामिनर का काम ही यही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है कि आपने किस तरीके से अपनी स्टैटिक नॉलेज को अपनी डायनामिक नॉलेज के साथ रिलेट करके अपने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं. आपने उसके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपना खुद का पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट एनालिसिस इंक्लूड कर रहे हैं. वो चीज़ लिखी है जो क्वेश्चन की डिमांड हो और जो रेलिवेंट हो. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू. एंड दिस विल ये आपको प्रैक्टिस में तभी आएगा जब आप डेली आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करोगे. यू हैव टू फोकस डेली ऑन द आंसर राइटिंग. यू अब आंसर राइटिंग पे आप कैसे फोकस कर सकते हो? आइदर यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या आपके इंटरनेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं PSIR ऑप्शनल के. डाटा वेरी रेलिवेंट एंड डाटा वेरी गुड. जब आपको रिसोर्सेज पता होंगे वॉट आर द रिसोर्सेज, तो तब आप जब फेमिलियराइज होंगे उन चीज़ों से तो यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस. एंड उसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग लिख सकते हो. देन यू कैन मैनेज योर थिंग्स. एंड अपनी आंसर राइटिंग्स के लिए देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स दैट हेल्प यू आउट थ्रू दिस. यू डोंट हैव टू लाइक आपको अपना खुद से प्रेशर नहीं बिल्ड करना इसके अंदर कि आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग. देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट और मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड यू अ गुड गाइडेंस फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट और फॉर योर आंसर राइटिंग. So you can enroll in those programs. This will help you out in your answer writing. And जो आपके mentors होंगे, आपके faculties होंगे, this will help you out कि आपको किस तरीके से जो खुद जिन्होंने UPSC mains clear करा है या जिन्होंने PSIR option जिनका background रह चुका है and they are working as XIS officers or those who are teaching for like 8 to 10 years, they will guide you better कि किस तरीके से आपकी answer writing आप अपने आप को उसमें अपने आप को एनहांस कर सकते हो. फिफ्थ थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज द रिविजन. आपको डेली बेसिस पे रिविजन करनी होगी चाहे आप कुछ भी पढ़ो. आपका एक ये चीज होती है इज रिविजन इज द की टू रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आप नोट्स भी बनाते हो, लेट सपोज यू कंप्लीट वन टॉपिक इन वन डे. अब आपने ये देख लिया कि टॉपिक तो आपने कंप्लीट कर लिया है बट नाउ यू आर स्टार्टिंग नेक्स्ट डे विद डिफरेंट टॉपिक. तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है. पहले आपको अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो आपने टॉपिक फिनिश करा है उसको रिवाइज करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसमें आपको देखना है प्रॉपर कि क्या चीज़ें आप मिस आउट कर चुकी हूँ. बिकॉज देन आपके आपको दिस विल हेल्प यू आउट इन योर आंसर राइटिंग. क्योंकि जब आप अपने नोट्स रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे एंड आगे की चीज़ें पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू एनालाइज हाउ यू कैन रिलेट डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट थिंग्स एंड दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट. सो रिविजन इज द की टू सक्सेस. आप जब जो भी कुछ भी पढ़ो आप यू शुड स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द प्रीवियस थिंग दैट यू हैव लर्न एंड दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट. एंड ये आपको खुद ही दिख जाएगा क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर आपका एक होता है रिविजन. एक प्रॉपर चीज़ होती है जो आपको डेली बेसिस पे अगर कोई मेंटोर होता है, सीनियर होता है, वो भी आपको रेकमेंड करेगा कि रिविजन इज द की. रिविजन पे आपको फोकस करना है चाहे आप कुछ भी पढ़ो, चाहे यू स्टार्ट लाइक स्लोली और स्टेडली, दैट इज द की टू सक्सेस. ठीक है, तो इसके बाद आपको मैं लास्ट टॉपिक जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगी इज सीक गाइडेंस. If you like complete your syllabus, if you are like studying for like for a long time, then you can seek guidance. If you think that you are not able to understand the things or you are not able to work on your critical thinking, you can seek guidance anytime. There's plenty of institutions or plenty of resources on the online platform as well that will help you कि किस तरीके से आपको guidance करनी है. You can like connect with the seniors or with the mentors or with institutes for the guidance and this will help you कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों पर work करना है. What are your strength and what are your weaknesses are going to be like monitored by those people only. So आपको अगर जब आप इस step तक पहुँच जाओ then your second last step should be seek guidance.
प्रॉपर गाइडेंस आप सीख करिए, हर किसी भी इंस्टीट्यूट से अच्छे से अपना रिसर्च करिए, एंड दिस विल हेल्प यू आउट कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेटर हैं और कौन सी चीज़ें बेटर नहीं है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी इज दैट कि टेस्ट सीरीज, अब लेट सपोज इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर ऑप्शनल कोचिंग, लास्ट स्टेप आपका होना चाहिए टेस्ट सीरीज। आइदर व्हाट यू कैन डू इज टेस्ट सीरीज के साथ कि आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हैं, उससे क्या रहेगा जब आपके टेस्ट पेपर्स आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आप किन चीज़ों पे लैक कर रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन मेनली एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गुड ऑन। तो टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा, जो टेस्ट सीरीज होती हैं इंस्टीट्यूट्स, जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज द प्लूटिस IAS। प्लूटिस IAS की टेस्ट सीरीज अलग अलग रिसोर्सेज से कंपाइल्ड होती है प्रॉपर, उनके अंदर आपको प्रॉपर दिखता है कि किन किन रिसोर्सेज से आपके टेस्ट बनते हैं, कौन कौन सी जगह से आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको दिया जाता है, एंड जो फैकल्टीज होते हैं वो खुद ही चेक करके आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड इवेल्युएशन मार्क्स रिमार्क्स फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एट योर एंड, एंड दिस विल हेल्प यू कि किस तरीके से आपको चीज़ों पर फोकस करना है। सो आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग योर PSIR ऑप्शनल, कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अगर आप PSIR ऑप्शनल ऑप्ट कर लें, एंड वॉट आर योर स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स। बट इफ यू हैव फर्दर डाउट्स और यू वॉन्ट टू लाइक शेयर योर कमेंट्स, काइंडली कमेंट देम डाउन, एंड डोंट फोरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।